जैनम जैतु साशनम वंदे विद्यासागरम। सभी को जय जिनेन्द्र। स्वागत है आपका मेरे गुरु और प्रतियोगिता परिणाम में। चलिए, आज हमने एक प्रतियोगिता पूछी थी जो पूर्णमती माता जी द्वारा लिखित पुस्तक है मेरे गुरुवर, उसमें से आपको कुछ उत्तर देने थे। आशा करते हैं आपको फोटोग्राफ्स अच्छी लगी होगी और जो पूर्णमती माता जी ने भावांजलि व्यक्त करी है वो और भी अच्छी लगी होगी। चलिए, एक विशेष सूचना। कल आचार्य श्री का दीक्षा दिवस है, 52वां दीक्षा दिवस। सब लोग जरूर गुरु दर्शन के लिए जाइए। जो नहीं जा सकते हैं वो विद्यासागर.गुरु वेबसाइट पर एक बार आचार्य श्री को नमोस्तु जरूर लिखें। कैसे लिखेंगे मैं अभी बताता हूँ। दूसरी चीज, कल हमने कहा था हरियाली से विनयांजलि। आप सब वृक्षारोपण कर रहे हैं ना, ऐसी जगह पे वृक्ष लगाइएगा जहां पर आप उनकी देखभाल भी कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल लगाना नहीं है, उनको बड़ा भी करना है। बड़े पेड़ लगाइए, एक बार बारिश में लग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए करते हैं वृक्षारोपण और गुरु जी को देते हैं हरियाली से विनयांजलि। चलिए, अब आपको मैं सबसे पहले ये बता देता हूं कि हम नमोस्तु कैसे लिखते हैं वेबसाइट पर। जब आप विद्यासागर.गुरु वेबसाइट खोलेंगे तो खोलते ही यहाँ लिखा है 52वां दीक्षा दिवस, वृक्षारोपण महोत्सव और विनयांजलि अर्पित करें। यहाँ विनयांजलि अर्पित करिए पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ लिखा है 52वें दीक्षा दिवस पर आचार्य श्री को शत शत नमन। अब जैसे हिमांशु पचोली जैन ने यहाँ पे नमोस्तु आचार्य श्री जी लिखा है, ऐसी आप भी कमेंट के अंदर अपना संदेश, अपने भाव अर्पित कर सकते हैं। आपने आचार्य श्री दर्शन किए, आपको कैसा लगा ये भी लिख सकते हैं। जरूर लिखिएगा। जैसे मैं अभी वेबसाइट पर दिखा रहा हूँ, अगर आप मोबाइल पर जाएंगे तो देखिए आपको ऐसे दिखता है। ये तीन आइकन आते हैं, इन तीन आइकन से आपको अभी साइन आउट करने को करा, इसलिए मैं लॉग इन हूं। तो आपको अकाउंट में पहले लॉग इन करना पड़ेगा, उसके बाद अगर यहाँ पे साइन इन लिखा है साइन आउट की जगह पर तो आपको इसमें लॉग इन करना है। तो लॉग इन करके आप करिएगा। गूगल से लॉग इन किया जा सकता है बड़े आराम से। चलिए, तो हम आशा करते हैं आप सब नमोस्तु लिखेंगे, आप सब नमोस्तु लिखेंगे। चलिए, इसके बाद एक और विशेष बात कि अगर आप वृक्ष लगा रहे हैं तो वृक्ष की फोटो फेसबुक पर और उसकी सूचना आप यहां भी लिख सकते हैं। हमने लिखा है ना वृक्षारोपण महोत्सव, देखिए यहां पे लिखा है वृक्षारोपण महोत्सव। तो वृक्षारोपण के अंदर हमने यहां पर आपके लिए लिखा है सोशल मीडिया पे क्या हैशटैग लगाएं, आपके लिए बैनर फाइल अवेलेबल है, सीडीआर बैनर फाइल। वृक्षारोपण जैसे देखिए मंदागिरी में तो हो भी गया है और उन लोगों ने अखबार में भी न्यूज दी है, ऐसे पूरा लिख करके रिपोर्टर प्रवीण जैन जी पटना से उन्होंने लिखा और समाज जैन समिति के सदस्यों ने किया पौधारोपण। इस तरीके से न्यूज बना के पेपर में भी दी है। धर्म प्रभावना करने का इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। जरूर पेड़ लगाइएगा, फोटो लगाइएगा और फेसबुक पे दोनों हैशटैग लगाइएगा। कौन कौन से हैशटैग लगाने मैं आपको वापस से बता दूं, जब आप यहां देखेंगे तो जो हमें हैशटैग है वो है गुरु जी का दीक्षा दिवस हरियाली से विनयांजलि। जब आप ये हैशटैग भी लगाएंगे तो हम फेसबुक पे सब लोगों का देख लेंगे किस किसने हैशटैग लगाया है और कहाँ से वृक्षारोपण हुआ है। चलिए, अब प्रतियोगिता परिणाम निकालते हैं। आपका समय ज्यादा नहीं लेते हैं, आपका इंतजार उसी चीज का हो रहा है। आज हम श्रमदान ब्रांड के हथकरघा पर बने 100% सूती अहिंसा गर्मी में विशेष आरामदायक चादर दे रहे हैं। श्रमदान हथकरघा का ब्रांड है, आचार्य जी के आशीर्वाद से और मार्गदर्शन में संचालित है। आप www.shramdaan.in से अपने वस्त्र भी खरीद सकते हैं। चलिए, लगभग 400 प्रतियोगियों ने भाग लिया, निकालते हैं लकी ड्रॉ। मैंने इनके नाम तैयार कर लिए हैं, ये रहे सबके नाम। हम दो प्रतियोगों को लकी ड्रॉ से निकालेंगे। इस बार हमने ये नहीं किया कि 80% से ऊपर, हमने कहा गुरु जी का दीक्षा दिवस है, सब लोगों ने भाग लिया है, अगर एक भी उत्तर दिया है तो उनको हमने सबको शामिल कर लिया है। चलिए, तो अपन निकालते हैं, देखते हैं किसको पहला उपहार, कौन विजेता बनता है। आशिका जैन छतरपुर से है, आपको बहुत बहुत बधाई। एक और ड्रॉ निकालते हैं।
लाभांशी जैन कोटा से आपको भी बहुत बहुत बधाई। चलिए दो की जगह आज तीन उपहार निकालते हैं, एक और मौका देते हैं आपको उपहार जीतने का, देखते हैं कौन जीतता है। नैन्सी जैन बेगमगंज जिला रायसेन मध्य प्रदेश, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कल दीक्षा दिवस है, जरूर जाइए गुरु जी के दर्शन करने के लिए, संभव हो तो, नहीं तो वेबसाइट पे आके जरूर से नमोस्तु लिखें। अच्छा एक और बात, आचार्य श्री विद्यासागर मोबाइल ऐप आप सब ने डाउनलोड कर रखी है और सबको बोलिए कि डाउनलोड करें। धन्यवाद, जय जिनेन्द्र।